ओम श्री विष्णुवे नमः। माया के कारण जीव के हृदय में घोर अंधकार भरा रहता है, अतः जीव माया बंधन की गांठ सुलझाने में अक्षम सिद्ध होता है, जिसके लिए लंबी साधना करनी पड़ती है। भक्ति मार्ग पर चलने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य के कीट पतंग जलकर भस्म हो जाते हैं। इसी ज्ञान दीप के प्रकाश में जब जीव को सहसा ये अनुभूति होती है कि वह स्वयं ब्रह्म है, वह सांसारिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ का संदेह मिटाने के लिए इन्हीं सब बातों को समझाया है, जिसमें प्रमुख बात यही है कि हम संसार में किस लिए आए हैं, क्या करके जाना है। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे वंश पर पड़ेगा और हमारी संतान सनातन धर्म की उन मर्यादाओं को समझेगी जिसकी एक परिवार को आवश्यकता रहती है। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं है, बल्कि जीने की राह देता है। इसके सुनने से हमें धैर्य मिलता है। आइए हम सब मिलकर के भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करें कि गरुड़ पुराण के 16 अध्यायों का ये सारांश सुनने से मन को परम शांति का अनुभव हो और उनका जीवन सुखमय हो। ओम श्री विष्णुवे नमः। शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं, मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं। नैमिषारण्य तीर्थ है पावन, सत्संग जहाँ पे होता है, जो भी दर्शन जाके करता मैल पाप के धोता है। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं। बार आश्रम से बाहर सूत मुनि जब आए थे, प्रश्न कर दिया तब ऋषियों ने, सुन के मुनि मुस्काए थे। सारे बोले इस धरती से बहुत ज्ञान हमने पाया, आई यदि कोई मन में शंका उत्तर भी जल्दी पाया। गुरुवर भ्रम में पड़े हैं प्राणी, क्लेशों में उलझे रहते, कोई नहीं उन्हें समझाता, डर डर के दुख क्यों सहते। सूत जी बोले जग के प्राणी कर्मों पर ही पछताते, समझाता ना कोई उनको संत शरण में ना जाते। एक बार ये प्रश्न गरुड़ ने विष्णु भगवान से पूछा, विष्णु जी ने जो समझाया वो ही प्रश्न तुमने सोचा। मृत्यु लोक में रहने वाले क्यों यम लोक से डरते हैं, वो ही डरते नरक
पढ़ते जो शुभ कार्य ना करते हैं, दया धर्म से दूर ही रहते, भजन भावना जाने जो, सत्संग जो करते न कभी भी ईश्वर को ना माने जो, उचित कार्य जो कभी न करते धन ही खूब कमाते हैं, वो अभिमानी प्रभु कृपा से वंचित ही रह जाते हैं, उनको कोई बचा न सकता अंधकार में रहते हैं, भव सागर से पार न होते घोर नरक में बहते हैं, ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं, मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं, से शुभ कर्मों को करते हैं, मधुर भाषी कहते हैं उनको परोपकार मन धरते हैं, दुख ना पाते झूठे जग में परम गति ही पाते हैं, अंत समय में प्रभु दौड़ के अपने गले लगाते हैं, लेकिन पापी प्राणी को ही खूब सताती पीड़ा है, एक एक श्वास काटती उनको जैसे काटे कीड़ा है, कान नहीं सुन पाते सुख की कोई भी अमृत वाणी, धुंधला धुंधला दिखता उनको दुखी तड़पता है प्राणी, रोग लगाते अपना डेरा बालू लज कर झाड़ी बने, घुर घुर कंत रात दिन बोले मंद मंद ही नाड़ी चले, जैसे हो पिंजरे में पंछी जीव तड़पता रहता है, कभी कभी मूर्छित हो गिरता किसी से कुछ ना कहता है, शिथिल इंद्रियां पड़ जाती हैं, जड़ रूपी हो जाता है, चाहे बिच्छू सांप भी काटे पड़ा पड़ा सह जाता है, आहा मुख पर पेन सूख कर पीली लार टपकती है, इन प्राणों की वायु देखो खिसक खिसक के चलती है, नग्न रूप जब हो जाता है दो यम दूत आ जाते हैं, दांतों से कट कट करके पाश दंड दिखलाते हैं, हाहाकार जीव करता है खींच के यम ले जाते हैं, रोते हैं सारे घर वाले देख देख रह जाते हैं, फिर स्नान करा के जीव को वस्त्र भी नए पहनाते हैं, ले जाते शमशान घाट पे
चिता पे रख के जलाते हैं। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं, मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं। दूत पकड़ प्राणी को कुंभी नरक ले जाते हैं, भूखा प्यासा रख कर उसको जीवों से कटवाते हैं। गरम रेत पर चला चला कर राहें कठिन दिखाते हैं, मारे चाबुक दौड़ा दौड़ा कर पानी तक न पिलाते हैं। मूर्छित होकर जीव जो गिरता पकड़ पकड़ के हिलाते हैं, रोशनी से फिर दूर ले जाकर अंधियारा दिखलाते हैं। जो यम लोक के नियम बने हैं वो ही माने जाते हैं। पिंड दान जब हो जाता है कुछ तृप्ति दिलवाते हैं। विधि विधान में यदि हो गलती सीधा नरक दिखाते हैं। जीव तड़पता वहीं पे रहता यम के दूत सताते हैं। पिंड दान आवश्यक होता 10 दिन कभी भुलाते नहीं। 4 भाग आटे के करके पिंड स्वरूप बनाते वहीं। 5 महाभूत देह को 2 हिस्से दे देते हैं। यम दूतों को 3रा हिस्सा 4था प्रेत को देते हैं। पिंड दान जो करते उसका प्रेत रूप बन जाता है। 10वें दिन वो छाया बन के अद्भुत रूप चलाता है। कर्म कांड के माध्यम से ही शुभ फल जीव को मिलता है। शांति मिलती धीरे धीरे थोड़ा जीव संभलता है। यज्ञ हवन हरि कथा कीर्तन जब घर में हो जाते हैं। 10वें दिन कुछ शांति होती धैर्यवान बन जाते हैं। श्वास का पंछी उड़ने पर भी देखता घर के आंगन को। यदि कर्म कोई होता अधूरा ठेस लगाता है मन को। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं, मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं। Hey,
दिन के पिंड रखने से छोटा मुख देखो बनता, दूसरे दिन के पिंड से कंधा कंठ भी है प्यारा सजता, हृदय बनता है तीसरे दिन ही, पीठ भी चौथे दिन बनती, पांचवे दिन में दानों के संग छोटी सी नाव भी बनती, छठे सातवे दिन कमर संग घोड़े भी आकर बनते, पेट आठवे दिन बन जाता, पिंड जैसे अंग सब बनते, नवे और दसवे दिन में ही भूख और प्यास सताती है, पिंड की शक्ति से पूरी देह नियम पूर्वक आती है, ग्यारहवे और बारहवे दिन में भोजन जब मिल जाता है, तेरहवे दिन में हंस ये उड़ के यम के लोक में जाता है, कठिन रास्ता यम लोक का बहुत देर में आता है, सोलह पुरिया राहों में आती हंस बहुत घबराता है, बस सूखा ही सूखा दिखता मिले न पीने का पानी, जिधर देखता वही उदासी नहीं दिखे दूजा प्राणी, प्रलय काल में जैसे सूरज नीचे होकर तपता है, अंगारों की वर्षा होती गिर गिर के हंस चलता है, आंधी खूब विषैली चलती ऊपर से गिरते पत्थर, कीच गंद में जीव फिसलता देखता फिर नीचे ऊपर, जंगल खूब भयानक मिलता कोई नहीं आगे पीछे, गीद गीदड़ी शोर मचाते डर डर के अखियां मीचे, नरक नरक ही दिखते जाते रास्ता कोई बताता नहीं, राहें अपनी आप टटोले दिखे अंधेरा दिन में कहीं, ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं, मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं, वैतरणी नदी बहुत है लंबी जिसका कठिन किनारा है, सौ योजन तक जिसमें बहती गदले जल की धारा है, रुधिर कीच और काई भरी है बड़े वेग से चलती है, कीट कीटाणु काले पीले ऊंचे नीचे उछलती है, श्वास कठिन होता है लेना जब दुर्गंध उड़ाती है, पापियों को कीचड़ काली वो घड़ी घड़ी दिखलाती है, पुत्र पौत्र परिवार न दिखता
मुख पे नाम आ जाता है। रक्षा करे न कोई आके, सपना सब बन जाता है। यम दूत दे कर के धक्का, दूर खड़ा मुस्काता है। बुरे कर्म किए जो है पगले, वो ही याद दिलाता है। क्यों ना कर्म किए हैं अच्छे, मानुष चोला पा करके मोह माया में फंसा रहा। बस झूठे जग में आ करके ना ब्राह्मण को दान दिया है, धन भी खूब कमाया है। पशु और पक्षी की सेवा कभी नहीं कर पाया है। गाय का दूध पिया जीवन भर, कभी नहीं चारा डाला। छीना खूब पराए धन को, अपना मार्ग बदल डाला। संत शरण से दूर रहा, बस ना तीर्थ में दान किया। दूर रहा नदियों के तट से, घर में ही स्नान किया। गंगा जल को कभी पिया ना, दूषित भोजन ही खाया। यम के दूत ने 17 दिन तक प्रेत वायु में उड़वाया। महाप्रेत सब नरक गिना कर 18 दिन दिखलाते हैं। जब पिंड दान मिल जाता तब सौरीपुर ले जाते हैं। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं। मोह माया बंधन से निकालो, विष्णु जी को मनाऊं मैं। कर्म हुए हैं अच्छे, उन्हें न कोई सताता है। सुख मिलता राहों में उनको, दूत भी राहें दिखाता है। गंद नहीं वो कहीं देखता, ना ही गर्मी सताती है। वैतरणी से पार उतरता, भक्ति काम आ जाती है। यमपुर में जब हंस पहुंचता, चित्रगुप्त मुस्काते हैं। फिर यमराज सभा में आकर आसन पर रुक जाते हैं। श्रवण नाम के गण कर्म सब गिन गिन के बतलाते हैं। करनी भरनी का जो भी फल क्या होता समझाते हैं। देख के यम का रूप भयंकर, वो ही प्रेत घबराते हैं। कि ये दंड हाथों में ऊपर भैंसे पर घुर्राते हैं। जिसने किया भजन ईश्वर का, छोड़ उन्हीं को देते हैं। स्वर्ग राह दिखला के उनको, सुखी रहो कह देते हैं। प्रेत वहीं से धीरे धीरे आनंद
स्वर्ग में जाके सुखी ही होता, दर्श प्रभु के पाता है। जिनके कर्म नहीं है अच्छे, उन्हें कढ़ाई में तलते, लगा हथ कड़ी हाथ पैर में, धक्का दे दे कर चलते। 32 भुजाओं वाले आकर खूब पिटाई करते हैं, अंगों का छेदन कर कर के मुख पे आरी वो धरते हैं। मुख में मूसल फंसा फंसा कर आँख फोड़ तड़पाते हैं, कुत्ते मांस को खींच खींच कर धीरे धीरे खाते हैं। भूत चुड़ैले चिढ़ा चिढ़ा कर सारे पाप गिनाते हैं, खून से लथपथ होती धरती ऐसा कष्ट दिलवाते हैं। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं, मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं। बनाए हरि ने जीव ही कष्ट उठाता है, चिल्लाता ऊंची वाणी से कोई नहीं सुन पाता है। जितने नरक हैं उन्हें भोग कर पूरा समय बिताते हैं, पशु पक्षी और कीट पतंगे कभी वृक्ष बन जाते हैं। धर्म राज के चार द्वार ही लोकों में कहलाते हैं, पूरब पश्चिम उत्तरी मार्ग से भक्त प्रभु के जाते हैं। कठिन द्वार दक्षिण वाला है जहाँ से पापी जाते हैं, जहाँ पाप नास्तिक के सारे यम के दूत गिनवाते हैं। मार्ग पार करने का वहाँ पे सबसे अलग नियम होता, वैसी राह मिले जीव को जैसा अपना कर्म होता। 84 योनि भोग के फिर जग में आना पड़ता, प्रभु कृपा करते हैं जिस पे स्वर्ग में ही रहना पड़ता। मानुष तन मिलने से पहले भ्रूण रूप धारण करते, योनि में स्त्री वहीं हो कर फंसते, माँ की प्यारी ममता पाकर धीरे धीरे बढ़ते हैं, पिंड मांस का बन जाते हैं, गर्भ में थोड़े चलते हैं। विकसित निश दिन होते रहते प्रभु कृपा से पलते हैं, योनि को दुख देते रहते श्वासों से ही संभलते हैं। कभी मस्तक ऊपर होता कभी
भी नीचे फंस जाता। सातवां मास जब लग जाता है पूर्ण रूप वो पा जाता। नौवें मास में कठिन परीक्षा माँ को देनी होती है। पुत्र होए या पुत्री होए माँ फिर चैन से सोती है। शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं। मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं। कोई थोड़ी आंखें खोल कर सबको रुला चला जाता। सुंदर रूप निरोगी काया किसी किसी को मिलती है। जैसी इच्छा प्रभु की होती फूल की बगिया खिलती है। पहले घर को शुद्ध कराते सब सूतक हटवाते हैं। नामकरण संस्कार है होता शुद्ध हवन करवाते हैं। कुल के नियम निभाए जाते जाति गोत्र भी मिल जाता। आदर मान सभी का होता जन्म दिवस भी मन जाता। बाल अवस्था खेल कूद में यूं ही बीती जाती है। गुरुवर से शिक्षा मिल जाती कुछ चिंता लग जाती है। यौवन के आते ही सारे सुख दुख पास में आते हैं। कुछ आशाएं पूरी होती जब कर्तव्य निभाते हैं। विवाह सूत्र में बंध जाते हैं अलग शुरू होता संसार। धीरे धीरे पारिवारिक चिंताएं होती संयम रखना होता है। क्या करना है क्या नहीं करना कहाँ करना समझौता है। वृद्ध अवस्था जब आ जाती जर्जर काया हो जाती। रोग शोक आकर के घेरे सुख की नींद नहीं आती। यदि गुरु की शरण पाई हो सहन शक्ति मिल जाती है। भजन कीर्तन जाप यदि हो मन में शांति आती है। गृहस्थ आश्रम कैसे संभले सब त्योहार मनाए जाते। पुत्री हो या बहन भाई हो सबके घर भी बसाए जाते। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं। मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं।
जितने भी कर्तव्य हैं जग में सभी निभाए जाते हैं। अंतिम श्वास तक साथ न छूटे मोह माया में फंसाते हैं। केवल पुत्र ही वंश चलाए शास्त्र यही बतलाता है। क्योंकि पुत्री विदा है होती केवल प्रेम का नाता है। पितरों का जो श्राद्ध है करता वो ही पुत्र कहाता है। मात पिता संग जुड़ा है नाता जो अधिकार बन जाता है। पुत्र यदि ये नियम तोड़ता कष्ट उसे मिल जाता है। पितृ रुष्ट हो जाते उसके गलती पर पछताता है। एक उदाहरण सुनो ध्यान से राहें तुम्हें दिखाएगा। जो समझेगा इस प्रसंग को अपना धर्म निभाएगा। बभ्रुवाहन राजा को एक दिन रोता हुआ था प्रेत मिला। कोई कर्म हुआ ना अब तक भूल गए बस चिता जला। सुदेव वैश्य कहते थे मुझको धन वैभव सब दे आया। न पिंड दान न श्राद्ध हुआ है प्रेत रूप से घबराया। एक मणि मैं स्वर्ण की देता राजा श्राद्ध मेरा कर दो। विष्णु जी का जन कर दो बेटा बन के गति कर दो। बना स्वर्ण की सुंदर मूरत विष्णु का श्रृंगार करो। ब्रह्मा और शिव जी की मूरति उस आसन पर साथ धरो। प्रेत की मुक्ति कैसे होगी ब्राह्मण तुम्हें बताएंगे। इसी स्वर्ण मुद्रा से राजन दान पुण्य हो जाएंगे। भाग्य उदय अब प्रेत का होगा प्रभु ने तभी मिलाया है। कब से देखो भटक रहा चैन न अब तक पाया है। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं। मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं। सेना जंगल में दौड़ी आई। तभी प्रेत ने जल्दी से वो मणि हाथ में पकड़ाई। राजा ने भी विधि पूर्वक अपना धर्म निभाया था। प्रेत को योनि से दी मुक्ति चैन भी मन को आया था। कर्म पुत्र के क्या क्या होते विष्णु जी ने समझाया। वंश की बेल जो है बढ़ाए श्रेष्ठ पुत्र वो कहलाया। जब
जब तक सांस ये अंतिम चलती, कर्म कराने होते हैं, धर्म कार्य सारे हैं, ऐसे नियम निभाने होते हैं। बेटा शालीग्राम की पूजा अपने घर में करवाए, विष्णु सहस्त्र नाम की माला पंडित जी से जपवाए। विष्णु ने अवतार लिए जो चित्र सभी वो मंगवाए, सब चित्रों पे पुष्प चढ़ा के अंत में दर्शन करवाए। तुलसी दल गंगा जल के संग धीरे धीरे पिलवाए, गीता या गायत्री गा के धीरज जीव को दिलवाए। हरि नाम संकीर्तन करके पुण्य कमाना होता है, सबसे पहले कुल देवता को शीश नवाना होता है। गुरुवर ने जो ज्ञान दिया है उसका ध्यान कराते हैं, बिना गुरु के गति नहीं है, सभी धर्म समझाते हैं। पूछ गाय की पकड़ा करके गाय का दान कराते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो कोई दान पुण्य करवाते हैं। अंत समय में जीव की मुक्ति सबको बहुत सताती है, कैसे उड़ के जाए पंछी मोह माया फंस जाती है। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं, मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं। कभी ना देखी जाती, शिव शंकर से पुकार करो, काले तिल का दान करो, फिर कहो प्रभु उद्धार करो। सुपात्र ब्राह्मण ही इस जग में दान पुण्य ले सकता है, पितृ शांति वो ही कराता, संकल्प वो ही धर सकता है। धन वैभव ऐश्वर्य सारे यही छूट कर रह जाते, चिता की लपटों में सुख दुख सब धू धू करके जल जाते। हर कुल के अपने आचार्य संस्कार करवाते हैं, होता नियम जो उसी समय का विधिवत वो करवाते हैं। चिता शांत जब हो जाती है अस्थि फूल चुने जाते हैं, गंगा जल और दूध से धोकर कपड़े में बंधवाते हैं। अस्थियां वहीं विसर्जन होती जहां पे लंबी जल धारा, नदी से उत्तम जगह न कोई
नदियां तट होता प्यारा। हरिद्वार गढ़ मुक्तेश्वर काशी संगम है मुक्ति धाम। पहवाया गया में जाओ सब तीर्थों को है प्रणाम। पुरोहित जी घर में आके शैया दान करवा के दिन संबंधी आ जाते हैं। ब्राह्मणों को आसन पे बिठा के भोजन सुंदर करवाते। जैसी हो श्रद्धा अपनी वैसी दान दक्षिणा दिलवाते। पगड़ी रस्म करानी होती सामाजिक ये मान है। आशीर्वाद बड़ों का मिलता कुछ आती मुस्कान है। रुके कार्य सब शुरू है होते शोक दूर करना होता। चले नियम से यदि कोई ना भाग्य उसी का है। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं। मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं। सब संबंधी करवाते हैं। प्रभु सभी की रक्षा करते अपनी शरण में लाते हैं। यदि कोई अनाथ हो प्राणी संस्कार हो जाते सारे। धार्मिक लोग ये कार्य कराते कमाते प्रभु सहारे। यदि कोई सन्यासी होता नदी के बीच बहाते हैं। परमहंस जो संत है होता उसकी समाधि बनाते हैं। मुक्ति धाम तो गया तीर्थ है विष्णु की जहां माया है। यहां श्राद्ध करने वालों को प्रभु की मिलती छाया है। सात पीढ़ियां सौ कुल उसके यहां पे आकर तर जाते। सभी दिवंगत चैन है पाते उत्तम गति यही पाते। भरद्वाज ऋषि ने आकर यहाँ संकल्प कराया था। गौहत्या के झूठे पाप को आकर यहीं मिटाया था। राजा हो या रंग सभी का अंत एक सा होता है। कभी खुश होता है प्राणी कभी कभी वो रोता है। आवागमन का चक्र है ऐसा ये तो बस चलता रहता। जैसा कर्म करेगा प्राणी वैसा फल उसको मिलता। गरुड़ विष्णु का संवाद ये मोक्ष उसी को दिलवाता। जैसा जैसा प्रभु ने बताया
अच्छे कार्य वो कर पाता। दुख के दिन में गरुड़ कथा को नियम पूर्वक जो सुनता, सुख के मोती विष्णु घाट से भक्त वही आकर चुनता। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी को आनंद आया, शर्मा ने वहाँ शीश नवा कर गरुड़ गीता को सुनवाया। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं, मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी को मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय बोल के शिव का ध्यान लगाऊं मैं, मोह माया बंधन से निकालो विष्णु जी। अपनों की मृत्यु पर तू काहे प्राणी रोए, वो ही जग में श्रेष्ठ है सबके लिए जो रोए, जगत में सबके लिए जो रोए। चिंता चित पे सवार हो चिता तलक ले जाए, आत्म चिंतन होए जब तेरा सारा दुख मिट जाए, तेरा सारा दुख मिट जाए। पशु पक्षी और जीव में जीने की है चाह, कीट पतंग संग पेड़ भी रखते ये ही चाह, जगत में रखते ये ही चाह। अहिंसा परमो धर्म है सबने दिया बताए, सुखी नहीं रह सकता वो निर्बल को जो सताए, जगत में निर्बल को जो सताए। जैसा भी अन्न खाइए मन वैसा हो जाए, पानी जैसा पीजिए वाणी वैसी बन जाए, सत्य है वाणी वैसी बन जाए। मंदिर में पूजन किया तीर्थ में जाकर दान, दीन की सेवा ना करी होगा नहीं कल्याण, अंत में होगा नहीं कल्याण। पिता को भूल कर करे हरि का ध्यान, प्रभु न उससे रीझते नहीं मिले वरदान, प्रभु का
नहीं मिले वरदान। जो पितरों को माने उनका वंश चले महान, जो भूले पितरों को उनकी दुखी रहती संतान, जगत में दुखी रहती संतान।